पता है चिकन खा के आप क्या करोगे? वी वेंट टू शिरडी, वहां पर ना हमने एक बाहर वो ठेला नहीं लगा होता, अजी पाजी खाना खा के मजा आ गया अभी, लेकिन हमारा मन नहीं भरा, हम अगली एक और जगह जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। पाजी कहाँ जा रहे हैं? सर हम जा रहे हैं इसी के साथ ही एक रेस्टोरेंट है, अंकल ऑमलेट। ये था शेक स्क्वायर, बिल्कुल साथ में ही है अंकल ऑमलेट। तो मुझे याद है हमारे ना रोहतक में हम बहुत जाया करते थे जैसे वीकेंड पे सुबह ऑमलेट वगैरह खाने के लिए, एक स्टेपल वो था, और रेडी पे रोड साइड पे खड़े होते हैं अंडे में ना इतनी बड़ी चक्की मक्खन डालते हैं और ऊपर ऐसे नींबू निचोड़ के और ब्रेड के ऊपर जो मजा आता ना, तो ऑमलेट आई थिंक इंडिया में एक ऐसा ब्रेकफास्ट है कि अगर आप अंडे वंडे खाते हो कुछ भी और नहीं समझ में आ रहा ना, निकलो रेडी वाले के पास जाओ और ऑमलेट खाओ। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो काम करते हैं उनसे भी चल के बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में। ऑल द वे बैक फ्रॉम इंडिया इन गुजरात, ऑल द रेसिपीज एंड एवरीथिंग इट गोज बैक फ्रॉम गुजरात, सो इट्स ऑल द सेम रेसिपी, सेम स्पाइसेस, सेम स्पाइस लेवल, एवरीथिंग इज सेम। मेनली एग फोकस है, या बट वेजिटेरियन ऑप्शन भी मिल जाएंगे जो एग नहीं खाते। तो एग नहीं खा रहे, उनके पास वेज ऑप्शंस भी है, सच एज यू कैन गो फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस, बॉम्बे ग्रिल, इफ आपको मालूम है बॉम्बे ग्रिल, देन वी डू हैव पानी पूरी, वी हैव दही पूरी, देन वी हैव सेव पूरी। वेज हमने पहले कर लिया है, हम एग पे फोकस करेंगे इस बार। श्योरली यू विल। थैंक यू। हमारा एग बाइट है, उसको बटर और रेड चिली पाउडर, उसमें उसको फ्राई करते हैं फुल्ली। मैं कह रहा हूँ ये जो एग्स हैं ना, ये वो सेम वही चीज है, खुशबू भी आ रही है, वो कैमरे में आएगी नहीं, जो हमें रेडी में मिलता होता वहाँ पे, खुशबू तो बिल्कुल वैसी वही सेम चीज है ये। मजा ही आ गया। ओ माय गॉड, हल्का सा तीखा, मजा ही आ गया। बट मजा आया, इतना भी तीखा नहीं है, बट वो रेड चिली पाउडर का टेस्ट आ रहा है। खुशबू तो बहुत बढ़िया है, खुशबू ना, पर एक्चुअली खुशबू वैसी भी है जैसे मटन की सब्जी में खुशबू आती है ना, मसाले की खुशबू है, खुशबू वही है, ऐसे लग रहा है मटन खा रहे हो। मटन के मसाले में अंडा खा रहे हो, बिना करी की एग करी थी, ये एग करी वाला टेस्ट है बिल्कुल, वही मटन मसाला, वही मसाला वही ना, जैसे एग करी होती है बिल्कुल क्रीमी और बिल्कुल उसमें करी वाली, लेकिन इसमें करी नहीं है बस। बहुत बढ़िया यार, जैसे कई बार क्या होता है ना आपको प्रॉपर डिनर का मन नहीं, इधर आप शाम को भी आ सकते हो या ब्रेकफास्ट ले आ सकते हो, आपको यूं नहीं है कि मेरे को प्रॉपर डिनर करना है, ये आगे अंडे की और स्नैक्स खाओ और यू आर फुल और वो टेस्टी है ना, वैरायटी चार पांच चीजें ऑर्डर कर सकते हो, हेल्दी स्नैक है, ठीक है मसाले में होगा आई एम श्योर, बट एग इज वेल हेल्दी। समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा, अच्छा है लेकिन बताना नहीं आ रहा है कि कैसा है। How was it? This is egg tikhari. जो तीखा होता है ना, तीखा तीखा का तिखारी, तो it's gonna be spicy too. ऐसे लग रहा है ये एग वाइट के पीसेस हैं जो फ्राइड चिली में, एंड दिस इज सम ग्रेवी,
I'm gonna try. And कड़ी पत्ते का ऊपर से तड़का लगा हुआ है. स्पाइसी है, लिटिल स्पाइसी. अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो फिर गो फॉर समथिंग माइल्ड, बिकॉज दिस इज बहुत अच्छा टेस्ट है. यूनिक, एकदम रिच, क्रीमी और मसाले भरमार. ब्रेड भी बहुत अच्छे से पूरी है, बटर के अंदर सोक्ड है ब्रेड. हमने तो सिर्फ ग्रेवी खाई है अभी तक, एग तो खाया ही नहीं. ये रहा, या दिस इज द एग. नीचे से जब आप करते हो तो नीचे से सनी येलो, हाँ, मोल्टन ऐसे एग निकलता है और नीचे पूरा एक बेस है उसका. ओके जी, नेक्स्ट चीज आ गई है जिसका नाम है पापलेट. ऑमलेट, पापलेट, पॉफलेट. पॉफलेट फिश नहीं होती जो? अच्छा, मैंने नहीं खाई. फिश की क्वीन जिसको कहते हैं वो पॉफलेट फिश होती है बेसिकली. अच्छा अच्छा, ये वही होगी. ये फिश की शेप में बनाया हुआ ऑमलेट है, कॉल्ड पॉफलेट. चाय बहुत अच्छी है एक्चुअली ना, मिल्क वाली ज्यादा चाय है. मिल्क बहुत क्रीमी है चाय. मुझे थोड़ी पसंद आती है कि उसमें दूध कम हो और पत्ती ज्यादा हो, चाय ज्यादा हो. लेकिन बट ठीक है, कई लोगों को ऐसे जो रेलवे स्टेशन पे मिलती है ना, ये वो वाला टेस्ट आ रहा है. एग्जैक्टली वही टेस्ट. दूध ठोक के, दूध, हाँ, दूध ठोक के पत्ती रोक के उल्टा हुआ बड़ा. डिसेंट है, नॉट वेरी गुड. पहले वाली ना एक्चुअली बहुत अच्छी थी, बट उसका जो तीखा टेस्ट था पहले वाले का, वो एकदम आपको ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है. तो ओके, मतलब ये भी वो नहीं खाते थे, ये बहुत अच्छी लगती है. यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना घर भी बनाई जा सकती है, क्योंकि मेनली एग और मसाले और वो ना, ऐसा लग रहा है कि घर भी बना सकते हैं. अरे तो ये तो पता नहीं था, एग से तो ऐसे भी बन सकता है. ओहो, क्या हवा है आज. सो दैट वॉज जस्ट द ब्रेकफास्ट. लंच और डिनर अभी बाकी है. थैंक यू पाजी, बहुत मजा आया. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट. सो पाजी हमारे ब्रेकफास्ट के एक्सपर्ट थे. अभी नेक्स्ट पड़ाव में हम लोग जाएंगे लंच और डिनर करने के लिए. ऑलराइट, सो टाइम आ चुका है लंच का और लंच के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनको कि आप जानते हो, अमित एंड शिल्पा फ्रॉम चिट चैट विद शिल्पा. सो हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज लंच के लिए? हम जा रहे हैं देसी रोड. भाई देसी रोड, एक खास बात यह है कि एक तो इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, डिशेस बहुत यूनिक है, नाम भी बड़े यूनिक है. रंगीला ऑमलेट, मुगलई एग टिक्का, अब पनीर टिक्का ट्राई किया होगा, चिकन टिक्का ट्राई किया होगा, एग टिक्का है इनके पास. चलो, सो प्रेजेंटेशन भी देखना इनकी बहुत अच्छी है. तो फिर देर किस बात की, फटाफट चलते हैं, भूख भी लगी है. चलो जल्दी करो. ठंड गजब वाली हुई पड़ी है यहाँ. धूप ने ना धोखा दिया हुआ है. धूप से हमें लगा कि ठंड नहीं होगी. मम्मा ने तो क्या सोचा कि जैकेट पहनती ही नहीं. मैं कहा पहन लो, धूप ये धोखा देती है यहाँ पर. ये मुझे तो यहाँ की एम्बियंस भी बहुत अच्छी लग रही है. This is more of a fine dining. तो अभी हमने चार एपेटाइजर्स मंगवाए हैं, गिवन द क्राउड ऑफ द टेबल. तो एक तो है हमने बॉम्बे भेल मंगाई है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है. और एक हमने मंगाया है हरे मसाले की टिक्की. एपेटाइजर्स में आई गेस टिक्की होनी चाहिए. वैसे तो इनके मोमोज भी बहुत अच्छे हैं, मैंने पढ़ा था ऑनलाइन. बट मोमोज जो है ना, वो हमने अगले रेस्टोरेंट के लिए, डिनर के लिए छोड़ दिए, क्योंकि उसके द बेस्ट हैं हमने सुना है. कब कब खोला आपने ये रेस्टोरेंट? हमने जून में खोला. इसी साल? Yes, इसी अच्छा साल. अच्छा, yeah. तो सब नया. Yeah, okay, so everything is new. It's kind of street vibes and
in a hardcore of Brampton, and we would like to invite everybody to have a look and then try our food. What is this? Bombay Bhel. Bombay Bhel. Yeah. Oh. Is this nitrogen? Is this nitrogen? I'm gonna just get my bhel. I wanna eat some. Oh. But he pointed to Kapila. Chiku, check this. Chiku, look. Chiku ka reaction dekhte. Okay. Nido. I want to put more on it. Wow, इसकी presentation भी देखो, वो मंजी पे ये ना पूरा इसमें लाते हुए ना नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं, जिससे ऐसे लगता है कि तुम पता नहीं क्या धुएं में इतना बढ़िया सा इफेक्ट आता है. गुड. अच्छी है. मुंबई गई है कभी? मुंबई से कंपेयर करने वाली कोई है सिचुएशन तेरी? बट वैसे टेस्ट फिर तो पिंकू साथ को लाना चाहिए था. वो कर, पर टेस्ट अच्छा है. इट्स अ लिटिल स्वीट, स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, तो किड्स कैन हैव इट एंड नाइस टेस्ट. आई लाइक इट. को इंडिया में शादियों की याद आ गई. इसमें ना वो डले हुए हैं अनार के दाने, वो वैसी वैसी फीलिंग आ रही है. चाट वाट में शादियों पर वैसा सा टेस्ट है कुछ. हरी भरी टिक्की, हरी हरे मसाले की टिक्की, हरे मसाले की टिक्की विद हरी चटनी. अंदर ग्रीक योगर्ट की स्टफिंग है, विच इज़ वेरी क्रीमी. इतना लाइट टेक्सचर दे रही है. आउटसाइड इज वेरी क्रस्टी एंड इनसाइड इज वेरी वेरी लाइट टेक्सचर बिकॉज ऑफ द योगर्ट. यम्मी. ऐसी चार पाइप पे कभी बचपन में हम सोया करते थे, ऐसी पे वड़ा पाव स्लाइडर आया हमारे पास. कौन खा रहा है जी सबसे पहले? अपना नंबर है. पूरा ऊपर मिर्च रखी हुई है मैंने. इसके साथ कुछ और नहीं आया था? बहुत बढ़िया. वो गार्लिक का टेस्ट आ रहा है इसमें. वेरी अमीर. काफी स्ट्रॉन्ग गार्लिक टेस्ट है, बट यू विल अप्रिशिएट इट. सो गुड. Yum. Oh my god. You have to see it. What? Spicy. Spicy for you? Oh my god, that is so good. Really? We went to Shirdi. वहाँ पर ना हमने एक बाहर वो ठेला नहीं लगा होता, वहाँ से वड़ा पाव खाया था. वो भी ऐसे गार्लिक वाला था. वो वाला टेस्ट आ रहा है बिल्कुल सेम. यम. मुझे ना पर्टिकुलरली स्पाइसी वो चटनी वाला टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इस पर चटनी लगाई है. मेरे लिए कम स्पाइसी था क्योंकि मैंने बॉम्बे और पुणे में वड़ा पाव खूब खाया है. तो हाँ, मैं पुणे रही हूँ ना 2 साल, तो मुझे वो पुणे वाला टेस्ट ही अच्छा लगता है जिसमें आगे पीछे दोनों तरफ पूरी अच्छे से चटनी लगा रखी होती है. So I did that. Stuffed mushroom. Oh. मैं बहुत excited हूँ इसलिए क्योंकि ये है stuffed mushroom. Stuffed mushroom. गरम. गरम. What? गरम. इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, सो थोड़े से आई हैव टू गेट माई हैंड्स डर्टी. हम्म.
अभी तक की बेस्ट आइटम है। और अगर किसी को मशरूम पसंद है तो दिस इज अ मस्ट 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 ट्राई। कितनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। खाते रहे। आंखें खिल गई हैं, पता चल रहा है। We got some charge. Here. बहुत बेहतरीन। जीरे का टेस्ट इतना बढ़िया आ रहा है इसमें, पूरे से तैर रहा है जीरा ऊपर। मतलब एक तो छाछ होती है बिल्कुल पतली सी है, वैसी नहीं है, थोड़ी गाढ़ी है छाछ, और नमक की थोड़ी ज़रूरत है। वैसे नॉर्मली हमारे वहाँ पे छाछ होती है ना तो नमक ज़्यादा ठोक के डाला होता है, बट इसके अंदर नमक भी हल्का है और बट वैसे टेस्टी है, थोड़ी क्रीमी ज़्यादा है ये। ऐसे लग रहा हम आए तो लंच करने थे लेकिन अब डिनर तक पहुंच गए। अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है आजकल, 4:30-5:45 अंधेरा। I don't like it. तो हम एक ही बिल में लंच और डिनर दोनों करेंगे। दोनों का मजा ले लेंगे। दोनों का मजा ले लेंगे। एक पैसे, पैसे एक ही देने। Alright, तो हमारी एक तो वेजिटेरियन में आ गई है दही वाली, मुंह में पानी आने वाली भिंडी, मेरी फेवरेट है भिंडी। इतना छोटा। फिर इसके बाद ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है शाम सवेरा। हम सवेरे आए थे, अब शाम हो गई है तो हमको शाम सवेरा खानी थी। देख कोफ्ता है, ग्रीन कलर के कोफ्ते। मैं सबसे पहले ना अगली चीज दिखाने से पहले खाऊं जरा। ऐसा लग रहा है आवाकाडो का कोफ्ता है ये। बहुत अच्छा कोफ्ता, वेरी क्रीमी। अरे दो कुछ तो ग्रीन वेजिटेबल्स का स्पिनिश तो पक्का है, लेकिन हो सकता है इसमें ऐसा लग रहा है कि ब्रोकली भी है। कैसा? यम्मी है, गुड है। मतलब थोड़ा सा मैं थोड़ी क्रिटिक हूँ, हाँ तो थोड़ा मीठा ज़्यादा है, दैट्स नॉट माय टेस्ट। लेकिन फिर भी इस तरह की डिश मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, बट मैं ये खा सकती हूँ, इट्स गुड। अब ये देखो, ये ट्राई करो, देसी कुकर में देसी चिकन करी। हाँ, देसी कुकर वाली फीलिंग आ रही है वाली, ढाबे वाली। और जब इंडिया में ना घर पे बनाते थे, घर पे कुकर में है ना, याद है घर पे जब बनाते थे मटन चिकन और वो चटाई बिछा के बीच में कुकर रख के शुरू हो जाता था खाना। आई एम ट्राइंग योर फेवरेट भिंडी, आई मीन रवीश, मेरी फेवरेट है। रवीश की भी फेवरेट है भिंडी। देखो प्रेजेंट मतलब प्रिपरेशन, छोटी छोटी भिंडी कटी हुई। नॉर्मली ना रेस्टोरेंट्स में बहुत मोटी मोटी काटते हैं, विच आई डोंट लाइक, ये कटी मेरी पसंद। पता क्या है? मेरे को क्या लगता है, भिंडी जितनी छोटी कटी हो ना उतनी टेस्टी बनती है। ये अच्छी काटी, अच्छी हुई है, छोटी छोटी, वो बड़ी बड़ी नहीं है, मोटी मोटी अच्छी है, अच्छी है, वेरी गुड, नाइस। आपको पसंद आए? ये मसाला नान तो देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। बहुत स्वाद है। देसी चिकन विद मसाला नान। बढ़िया, बढ़िया। चीज हैलापेनियो नान और अपना देसी चिकन करी। देखते हैं जी, मिर्च वाला नान है, हैलापेनियो मिर्च। आई थिंक चिकन खाएगी ना बटू, तो उंगलियां पता है चिकन खा के आप क्या करोगे। करी इतनी टेस्टी है सही में, चिकन सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, यू विल जस्ट लिक। सिर्फ एक, तो वो कौन सी करोगे? चिकन और वेज में चिकन, मतलब मैं तो चिकन खाती नहीं, वेज में मैं तो सिर्फ भिंडी ऑर्डर करूंगी। आप क्या ऑर्डर करोगे? नहीं चिकन नहीं, वेज में नहीं, वेज में ये करूंगा मैं,
अरे भिंडी करी नहीं मैंने, ट्राई नहीं करी। भिंडी कोफ्ते से ज्यादा स्वाद है, लो जी किया जाए फिर भिंडी में ट्राई। ऑन योर चेयर नाउ एंड हैव फूड। इफ यू फिनिश योर फूड। भिंडी या कोफ्ता? भिंडी मेरी फेवरेट है, कोफ्ता पर भिंडी बहुत अच्छी है, भिंडी बढ़िया लगे। तो हमने चार तरह के ब्रेड ऑर्डर किए हैं। वन इज आवर लच्छा पराठा विच इज़ अ काइंड ऑफ रोटी, दूसरा हमने किया एक गार्लिक नान, फिर एक मसाला नान, एक एंड हेलापिनो एंड चीज नान। शिल्पा उन लोगों में से है, नॉनवेज में से चिकन निकाल के ग्रेवी खा लेगी, है ना? चलो ग्रेवी ग्रेवी कहीं रिव्यू करते हैं। वाओ वाओ वाओ, ये बिरयानी है ऊपर का भी खाती हूं मैं। ग्रेवी अगर इतनी टेस्टी हो, चिकन खाने की जरूरत क्या है? अब हम इसको अनलोड भी गाइस, यू हैव 12 मिनट। मेरा पेट भर चुका है बुरी तरह, लेकिन ना मन नहीं भरा। और इनका जो गार्लिक नान है वो भी बहुत ही बढ़िया, पूरा बटर टपक रहा है। ये क्ले पॉट है, मिट्टी की खुशबू आ रही है बढ़िया, इतना भारी है। तो ये रोटी थी, उस जो पॉट है क्ले पॉट जिसके अंदर बिरयानी थी उसके ऊपर पकी हुई रोटी है ये। इसके साथ खाएंगे जी हम, इट्स गोना बी अ बिग बाइट। आई थिंक मुझे लग रहा है हमने दो रेस्टोरेंट पे और जाना, बट दिस इज गोइंग टू बी माय फेवरेट, सही बता रहा हूँ। लास्ट में पूछूंगी, दिस इज आई थिंक गोइंग टू बी माय फेवरेट, अगले दो का मुझे पता नहीं। गोट बिरयानी बहुत बढ़िया, लिटरली मैंने इसे सॉफ्ट मटन कभी नहीं खाया। रियली बिरयानी में भी जो बासमती राइस है काफ़ी मोटा दाना, इतना लंबा लंबा एकदम। आह क्या खुशबू है यार बिरयानी की, बासमती राइस तो साथ में मटन, मटन की जो खुशबू आ रही है ना पता चल रहा है कि प्रॉपर पका हुआ मटन है। तो बिरयानी वैसे तो जो प्रॉपर साउथ इंडियन बिरयानी हाउस होती है ना उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे एक एक वो है वहाँ पे, एक पाकिस्तानी है रेस्टोरेंट बारबेक्यू टुनाइट, उसकी बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, मतलब वो लेवल नहीं है। लेकिन नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के हिसाब से अगर आपको बिरयानी मिल गई है दैट्स गुड। मुझे बिरयानी पर्सनली वैसे पसंद भी नहीं है, लेकिन और इसमें मुझे नमक की तो बहुत कमी लग रही है। अच्छा, सो आउट ऑफ एवरीथिंग आई थिंक बिरयानी गेट्स द लीस्ट मार्क्स फ्रॉम माय साइड। अच्छी नहीं है बिरयानी, लगी अच्छी मतलब मैं कहीं पर भी जाती हूं। आपने एक्चुअली बिरयानी में ना मटन नहीं खाया इसलिए? हां, क्योंकि अगर आप नहीं नहीं सही में, क्योंकि मटन बहुत अच्छा है इसमें, सिर्फ राइस जो है ना उसमें, हां सिर्फ राइस में वो मजा नहीं है। या मटन इज गुड बट राइस जो है ना तो सॉल्टी नहीं, बिल्कुल भी उसमें कोई फ्लेवर एंड सॉल्ट नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मटन में है राइस फीका। नहीं, मेरे हस्बैंड एक्चुअली शेफ है, इंडिया में शेफ थे एंड देन वी स्टार्टेड रेस्टोरेंट हियर, बट वी आर इनटू बिजनेस फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। वी हैव अदर ब्रांड नेम दाल रोटी आल्सो। अच्छा, दाल रोटी आपका ब्रांड है? अच्छा, उसकी अलग-अलग जगह पे ब्रांचेस देखी है मैंने। तो दूसरी फ्रेंचाइजी है और ये हमारी लाइक फाइनेंशियल मिसिसागा में जो दो स्टोर्स है वो हमारे कॉर्पोरेट स्टोर। ये आपका अपना स्टोर है राइट? हां और जी बहुत अच्छा लगा खाना मुझे। थैंक यू सो मच। आज कितनी जगह पे सौख खाने हमने? बहुत सारी। कैसा लगा सबको ये लंच? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑडियंस को लग रहा होगा कि डिनर का टाइम हो गया है क्योंकि रात इतनी हो गई है, बट लंच ही था ये हमारा। आंटी जी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा? अगले पे आप नहीं चल रहे, पर आप तैयार हो हमारी वीडियो में देखने के लिए? हाँ वो तो मैं देखूंगी।
वैसे चल भी सकते हो आप अगले में, अभी चलते हैं सीधा कहीं और डिनर करते हैं। एकदम प्रेजेंटेशन एक नंबर, झकास मुंबई भाषा में।